આપણી યાત્રાના હવેના ચરણમાં છે ચાર દેરાસરો. એમાં સર્વપ્રથમ છે કીર્તિધામ, જે સોનગઢથી પાલીતાણાના મુખ્ય માર્ગ ઉપર આવેલું છે. કીર્તિધામમાં મૂળ નાયક શ્રી સિમંધર સ્વામી વિરાજમાન છે. આ જિનાલયની સ્થાપના શ્રી પ્રાણલાલભાઈએ પોતાના સ્વર્ગસ્થ પુત્ર કીર્તિની યાદમાં કરી હતી, જેની પ્રતિષ્ઠા વિક્રમ સંવત 2041માં માકસર સુદ છઠના તારીખ 14 ડિસેમ્બર 1984ના રોજ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી ચંદ્રોદય સુરેશ્વરજી મહારાજના હસ્તે થઈ હતી. इसके बाद है विद्याधाम. विद्याधाम भी यात्रियों के लिए धर्मशाला, भोजनशाला और उपाश्रय की सेवाएं प्रदान करता है. इस देरासर का मुख्य मंदिर त्रैस्तुतिक पूजक आचार्य गुरु राजेंद्र सूरे महाराज साहेब के नाम पर बनाया गया है, जो पूज्य मुनिवर श्री ऋषभ चंद्र विजय जी महाराज साहेब की प्रेरणा से और साध्वी श्री मुक्ति श्री जी के मार्गदर्शन अनुसार निर्माण हो रहा है. साथ ही वधामणा धाम भी बन रहा है. इसके बाद है सोनगढ़ गुणोदय धाम. मूल नायक श्री जीरावाला पार्श्वनाथ भगवान यहां विराजमान हैं. यहां पद्मावती माता की स्थापना भी की गई है. इस देरासर की स्थापना अच्छल गच के पूज्य आचार्य श्री गुणोदय सागर सुरेश्वर जी के नेतृत्व और प्रेरणा से हुई. गुणोदय धाम का परिसर बहुत ही उम्दा और खूबसूरत है. गुणोदय धाम में आने वाले संतों और यात्रियों के लिए धर्मशाला, भोजनशाला और उपाश्रय की भी सुविधाएं हैं.